बिना रवाना की जो गाड़ियां चल रही हैं उसी के लिए मैं आया था कि साहब जब रॉयल्टी बंद है तो ये गाड़ियां क्यों चल रही हैं, क्यों लोड हो रही है, बालू निकल रही है। तो मैं तो निकल रहा था तो मैंने देखा कि सारी गाड़ियां एकदम भर भर चले हैं, ट्रैक्टर चले जा रहे हैं एकदम बिना रवाना। एक आध से पूछ लिया कि भाई रवाना, तो कह रवाना तो है ही नहीं। पता चला ये ट्रक भी जा रहे हैं, इनके पास भी रवाना नहीं। तो क्या ये सारे के सारे अवैध जा रहे थे? अब आप इतना तो जानते ही हो कि जब रवाना नहीं था वैसे ही ना हो गया। बताया जा रहा है कि 48 घंटे से ओटीपी बंद है, उसके बावजूद भी खदानों से बालू निकल रही है। बालू निकल रही है, बालू निकल रही है, बालू चलाई जा रही है। और जब रवाना नहीं है तो नंबर दो हो ही ना गया, ये मैं बताऊं कि आप खुद ही जानते हो। कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ रही है। अब ये बात तो मैं कैसे कहूंगा, लेकिन ये तो पक्की बात है कि अधिकारी इसको नहीं रोक रहे हैं। रोकना चाहिए ना, हंगामा मचा रहे हैं। क्या वजह? अब इनमें मुझे ट्रांसपोर्टर को कोई दिख नहीं रहे। अच्छा, ये जो सारी गाड़ी पार्टी के लोग हैं, कौन सी पार्टी के लोग हैं? कौन सी पार्टी के लोग हैं? कौन सी पार्टी के लोग हैं? जिलाध्यक्ष ने बुलाया, जिलाध्यक्ष मैं भी युवा का जिलाध्यक्ष था। हाँ, मुझे पता। हाँ हाँ, तो ये जितने सारे लोग खड़े हैं पार्टी के लोग हैं? नहीं नहीं, पार्टी नहीं, 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 हम अपनी गाड़ी वाले अभी नहीं आए, सारे पार्टी के लोग हैं। मुझे जिलाध्यक्ष जी ने बुलाया कि यहाँ कुछ गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो मैं आया, मैंने उनका चालान। क्या पाया आपने? कितनी गाड़ियों का चालान किया? पांच गाड़ियाँ हैं खड़ी। पांच गाड़ियाँ किस बात को लेकर के चालान किया? ओवरलोड को लेकर। और जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब गाड़ियाँ जो निकल रही हैं उन पर कार्रवाई चल रही है। आज ओवरलोड गाड़ियाँ खदानों से मतलब कराई गई, आई है। हमारे जिलाध्यक्ष साहब आए भाजपा के, उन्होंने गाड़ियाँ रुकवाई, चंद गाड़ियों में चालान हुआ, RTO साहब चले गए, जिलाध्यक्ष साहब चले गए। क्या आरोप है आपके? यही आरोप है कि सब मिली भगत है, यहाँ पे सारे अधिकारी मिले हुए हैं और सभी को मोटी रकमें दी जाती है और मोटर मालिक मर रहा है। क्या आपकी कितनी गाड़ियाँ आज पकड़ी गई हैं? आज 6 से 7 गाड़ियों में कार्रवाई हुई है, बाकी गाड़ियाँ छोड़ दी गई हैं। ये कल एक सूचना की थी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जितना भी ओवरलोड और अवैध खनन का काम चल रहा है जिले में, उसको रोकने का काम युवा मोर्चा करेगा जमीन में आकर के। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई करवाई है। यहाँ पे ओवरलोड गाड़ियाँ लगातार जो काम चल रही थी, तो ये सोना खदान यहाँ पे है, सोना खदान में ओवरलोड चल रहा, कनवारा दुलेरी आसपास जितनी खदान है, और इनकी OTP भी बंद है, उसके बावजूद ये लोग अपना फर्जी रवाना के साथ ये निकाल रहे हैं गाड़ियाँ। तो उसी के संदर्भ में कार्रवाई करवाई थी, और RTO यहाँ पे हमारे SK मिश्रा जी आए थे, उन्होंने कार्रवाई की है, गाड़ियाँ कुछ सीज की हैं, और उसी के संदर्भ में हम लोग मैदान में हैं। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि अभी RTO आए थे, उन्होंने मात्र 5 गाड़ियों का चालान किया है, जबकि ओवरलोड बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सभी लगभग जा रही हैं यहाँ पे। नहीं, विषय ये है कि चूंकि जो जो गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ाई हैं अभी, उनको लगातार उन्होंने सारी गाड़ियां सीज की हैं। जो गाड़ियों के लोग नहीं मिल पाए, जैसे गाड़ियां ड्राइवर गाड़ियां छोड़ के भाग जाते हैं, गाड़ियां चली गई इधर से उधर, वो गाड़ियों में कार्रवाई नहीं हो पाई होगी, लेकिन नॉर्मल जो गाड़ियां खड़ी थी हमारे सामने की, वो सारी गाड़ियों की कार्रवाई करवाई हूँ।